क्या विकी जैन ने अंकिता को थप्पड़ मारने की कोशिश की? क्या विकी अंकिता को थप्पड़ मारने वाले थे लेकिन सोचा कि मैं नेशनल टेलीविजन पर हूँ, लोगों को दिख रहा हूँ, आसपास के लोग क्या बोलेंगे, फैंस क्या बोलेंगे, कैमरे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो वो रुक गए। क्या विकी सच में अंकिता को थप्पड़ मारने वाले थे? उनका ये इंटेंशन था और वो रुक गए? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल के एपिसोड में कुछ ऐसा ही हुआ जिसे देखकर फैंस भी शॉक रह गए। अब कल के एपिसोड में विकी और अंकिता के बीच में क्या हुआ और उसके बाद फैंस क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उनका क्या मानना है इस टॉपिक पर, चलिए वो भी आप लोगों को बता देते हैं। शुरुआत करते हैं। बिग बॉस का घर है भाई, लड़ाई तो होगी होगी। यहाँ पर पति पत्नी आते हैं तो वो भी लड़ने लग जाते हैं। बहुत अच्छे उनके अगर रिलेशनशिप रहा होगा घर के बाहर तो भाई घर आओगे तो लड़ाइयाँ बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। अभी परसों के एपिसोड में अंकिता ने कहा भाई डिवोर्स ले लेते हैं विकी जैन को, और उनकी जो शादी है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए रफ नज़र आ रही है, बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। जब से बिग बॉस के घर में आए हैं तो इनकी इतनी बन नहीं रही है, काफ़ी अनबन हो रही है। इनकी मम्मियाँ भी आई थी इनको समझाने की भाई तुम बाहर की दुनिया में ऐसे नहीं थे और यहाँ पर बिल्कुल ही अलग हो तुम दोनों। तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स इन दोनों के बीच में होती है और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, किसी और के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही थी, बीच में अंकिता और विकी का ये केस हो गया। अब हुआ ये कि जो विकी जैन है वो अभिषेक से यहाँ पर बात कर रहे होते हैं खाने की आइटम्स पर, फूड आइटम्स पर विकी और अभिषेक की बहस चल रही होती है। तो वहाँ पर आप कह लीजिए दम के कमरे में कौन बैठा होता है, अरुण भी होते हैं। तो अरुण यहाँ पर बात कर रहे होते हैं अंकिता से और अभिषेक यहाँ पर बात कर रहे होते हैं विकी से। तो इन चारों में ना, मतलब आप कह लीजिए ना, एक तरफ वहाँ से आवाज़ आ रही है, एक तरफ वहाँ से आवाज़ आ रही है, एक तरफ वहाँ से आवाज़ हो रही है, तो विकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी बेडशीट को ऐसे करते हैं तो, और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर अंकिता को थप्पड़ मारने वाले होते हैं। विकी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी वाइफ पर हाथ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर बेडशीट को उन्होंने ऐसे किया और ऐसा लग रहा है कि हाँ वो अंकिता पर हाथ उठाने लगे और अंकिता भी एकदम से पीछे हो गई। तो जब आर्ग्यूमेंट हुई तो ऐसा देखा गया भाई विकी भैया यहाँ पर ब्लैंकेट ऐसे ऊपर कर रहे थे और ऐसा लगा कि भाई वो अपनी जो पत्नी है अंकिता लोखंडे उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अंकिता को ऐसा नहीं लगा कि विकी ऐसा करेगा, मतलब अंकिता यहाँ पर बोल रही थी कि मुझे जो सही लगा मैं वही कर रही हूँ, यानी कि अंकिता को ऐसा नहीं लगा कि विकी ने उन्हें मारने की कोशिश की। और अंकिता ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा दिखा है कि विकी ने ऐसा करने की कोशिश की है तो वो वीकेंड के वार पर ये मुद्दा उठेगा और फिर तब देखी जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, अगर ये मुद्दा उठेगा तो तब देख लेंगे। उसके बाद दूसरी साइड पर अरुण अभिषेक जो थे वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि अपनी बीवी पर हाथ उठाता नेशनल टेलीविजन पर मारने की कोशिश करी, ये देखो ये देखो, और अलग वो चल रहा था। लेकिन आपको दिखाते हैं वो तमाम ट्वीट्स जो कहते हैं कि हाँ भाई विकी ने गलत किया, और वो भी ट्वीट्स दिखाएंगे जिसमें लोग बोल रहे हैं कि नहीं विकी ने गलत नहीं किया है। तो स्क्रीन पर सबसे पहले आपको ट्वीट दिख रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट्स के ड्यूरिंग विकी भैया ने बहुत ही गुस्से पे ब्लैंकेट से निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी वाइफ को मारने की कोशिश की अंकिता लोखंडे को नेशनल टेलीविजन पर। उसके बाद काफ़ी बार देखा गया है कि विकी और अंकिता पर सवाल उठे हैं, ज़्यादातर सवाल उठे हैं विकी पर, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है अंकिता के टुकड़ वो अच्छा देखने को नहीं मिलता है और उनकी लड़ाई होती रहती है और वो हाइपर हो जाते हैं और ये सब हो जाता है, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो चलिए आपको और ट्वीट दिखाते हैं। एक यूज़र ने ट्वीट किया और लिखा है कि जो विकी है उन्होंने ऑलमोस्ट वो स्लैप करने वाले थे अंकिता लोखंडे को, ऑलमोस्ट स्लैप करने वाले थे। तो यहाँ पर एक यूज़र का ये मानना है। एक और यूज़र है जिन्होंने ट्वीट कर लिखा है भाई स्लैप नहीं किया, ओनली गुस्सा दिखाया, मतलब चांटा नहीं मारा लेकिन सिर्फ गुस्सा दिखाया है, ये नॉर्मल सी बात है, आप गुस्सा दिखा सकते हैं। एक यूज़र ने कहा है अगर ये चीज़ें ये ऑन कैमरा कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग ये सोचिए कि ऑफ कैमरा वो किन चीज़ों से गुजर रही होंगी अंकिता लोखंडे। एक और यूज़र ने रिएक्ट किया और कहा कि अंकिता का जो रिएक्शन है वो यहाँ पर साफ साफ ये शो कर रहा है कि ये पहले भी हो चुका है और उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि देखा गया अंकिता एकदम से पीछे हो गई और वो रिएक्शन हम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा।
एक और यूजर ने कहा कि जबरदस्ती की गलत न्यूज मत फैलाओ, अंकिता पर नहीं अरुण पर गुस्सा वो निकाल रहे थे, अंकिता पर क्यों निकालेंगे, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लड़ाई बेसिकली अभिषेक और अरुण से हो रही थी और बीच पे अंकिता और इनकी हो गई कि तू चुप कर मैं देख रही हूँ। और उसके बाद एक इतनी तरफ से आवाज़ आई थी तो विकी कहते कि मैं गुस्सा हो गया भाई, मेरे को एक तरफ से सुनना है, और उन्होंने ऐसे ब्लैंकेट उठाया और ऐसा लगा कि भाई वो अंकिता को थप्पड़ मारने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या विकी ने जो किया वो सही किया, या सच में विकी जो थे वो अंकिता को थप्पड़ नहीं मारने वाले थे, वो ब्लैंकेट उठा रहे थे? आप लोगों को क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए बन रहे हैं हमारे चैनल न्यूज़बुक के साथ।